मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विद्युत सेवा आयोग के निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण गोरखपुर के कमिश्नरी सभागार में किया गया, जिसको सभी अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों सहित मंडल के नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने देखा। वहीं गोरखपुर में 78 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन, दंत चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी व सहायक अभियोजन अधिकारी का नियुक्ति पत्र ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल व चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी द्वारा किया गया। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर सभी अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए, जिस पर सभी अभ्यर्थियों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2022 में पेपर दिया था, हम लोग पास हो गए थे, जिसका नियुक्ति पत्र अब मिल रहा है, जिससे हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, दंत चिकित्सक लखनऊ से, निरीक्षक प्रशासनिक सुधार विभाग में श्री प्रशांत सिंह, पितल के पद पर सुश्री नीलम गौतम लखनऊ से है। चौथी जब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किए थे 1277 सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा को, 1160 इसमें डिप्टी कलेक्टर थे, बीएससी थे, वरिष्ठ प्रवक्ता थे, समीक्षा अधिकारी थे, गन्ना प्रवेक्षक थे, गन्ना विकास निरीक्षक थे, 267 नायब तहसीलदार और प्रवक्ता की भी नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई। और बड़ा सौभाग्य का क्षण है मैडम शिवानी है सर, गोरखपुर मंडल कहाँ के रहने वाले सर? डॉक्टर अखिलेश कुमार इधर इधर देखिए, इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव नियुक्ति पत्र पाने वाली अभ्यर्थियों ने कहा, ये नियुक्ति पत्र का जो वितरण होता है वो अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसका इंतज़ार हर युवा का होता है। हर युवा की चाहत होती है कि उसको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और अपना आगे का जीवन एक सुखमय जीवन बिता सके। हाँ, उसके साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं शिरकत की, उन्होंने स्वयं इन बच्चों को आशीर्वाद दिया, ये उनके लिए बड़ा प्रेरणादायी और एक गर्व की अनुभूति उनको होती है कि जो मुख्यमंत्री ही स्वयं उस कार्यक्रम में भागीदारी करके इन सभी को प्रोत्साहित करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के प्रोत्साहित करने से वो अपने जीवन में एक अच्छे कार्य और अच्छे समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका अग्रणी रूप से निभाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी सभी इन सभी के प्रति शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए धन्यवाद।